नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैवेल्स इंडिया कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक में और गिरावट हो सकता है क्या, ये स्टॉक में अभी बाई कर लेना चाहिए क्या, ये स्टॉक में जिस हिसाब से मैंने थंबनेल में लिखा है कि 42% का रिटर्न मिल सकता है, मैं किस बीएफ पे बता रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन बना रहे हैं ना, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमें स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कंपनी फंडामेंटली बढ़िया कंपनी को अगर हम सही टाइम पे बाय करते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बनता है, ठीक है ना। तो इससे हमें कोई यहाँ पे डेली डेली कोई इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छे पैसे बनता है, लेकिन हमें सही ढंग से स्टॉक चूज करना चाहिए और सही लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप का स्विंग ट्रेड होता है, एक ब्रेकआउट में होता है, एक मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग होता है और एक पोजिशनल होता है। तो हमें क्या करना है, एक सही लेवल पे सपोर्ट लेवल पे या तो फिर करेक्शन प्राइस पे वहाँ पे हमें बाय करना है, अपना सही टाइम तक लेके चलना है। मैं क्यों इस चीज़ का बार बार जिक्र कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे कई बार बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि पीएनबी के बारे में आपके सामने। देखिए यहाँ पे पीएनबी के बारे में हमने जब बात किया था वहाँ पे देखिए कौन सा लेवल पे पीएनबी चल रहा था, पंजाब नेशनल बैंक में, उस टाइम पे मैंने बहुत बार बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना है। तो लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया तो अभी अच्छा प्रॉफिट में वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डेली डेली यहाँ पे कोई स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे जो हम जब हमने बात किया था तो वहाँ पे 38 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था, आपके सामने यहाँ पे प्रूफ है 38 के पास में ट्रेडिंग हो रहा था। और क्या है, कितना मंथ लगा है, ओनली 2 मंथ्स पहले यहाँ पे हमने वीडियो बना के बताया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इसी हिसाब से लेके चलना है, सही लेवल पे बाय करके सही टारगेट तक लेके चलना है। मैं क्यों बोला था कि ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, उसका बुक वैल्यू देखिए 88 का बुक वैल्यू था, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था 38 में और उसके साथ में प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर था। तो इसी के बेस पे वहाँ पे स्टॉक पिक किया हुआ था। अगर हम देखेंगे तो इसी हिसाब से हमने जिस चीज़ की बात किया जहाँ पे बात किया तो वहाँ से बाय करने के सपोज बाय करने के बाद में तो वहाँ पे देखिए करेक्शन भी हो गया, 10% तक का स्टॉक नीचे आ भी चुका था। तो उस टाइम पे जो पैनिक में सेल कर देगा तो वहाँ पे अच्छा पैसे नहीं बनेगा। देखिए अभी अगर जिन्होंने भी होल्ड करके रखा है 90 डेज में 46% का गेन देखने को मिला है। इससे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अप्रैल के टाइम पे बाय किया है तो यहाँ पे अच्छा सा हमें गेन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में इसी हिसाब से लेके चलना है और किसी भी स्टॉक में ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना है। अगर ज्यादा एक्सपोजर देंगे ना लालच में आके तो आपको बहुत बड़ा नुकसान स्टॉक मार्केट में हो सकता है। अगर यहाँ पे हैवेल्स इंडिया के बारे में बात करेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, उससे पहले कंपनी का स्टडी कर लेते हैं। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हैवेल्स इंडिया 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसी के साथ में स्टॉक का प्री अभी भी प्रीमियम पे ट्रेडिंग हो रहा है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी स्टॉक हमेशा ही प्रीमियम पे ट्रेडिंग होता है, 70 का पी पे चल रहा है। उसके साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 27 है। उसके साथ में कंपनी में इतना ज़्यादा डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ओनली 3% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई की हम बात करेंगे तो 1504 स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1222 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे प्रमोटर प्लेज भी नील है और यहाँ पे आरओई भी 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। और कंपनी करती क्या है, कंपनी का अगर आप बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो यहाँ पे कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है। इनका अगर आप ब्रांड भी चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या ब्रांड आपको नजर आएगा, तो ये कंपनी का अगर आप ब्रांड देखते हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं जो कि हैवेल्स बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि सभी का घर में यूज होता है। इनका स्वीट्स ब्लॉक ये सारे सामान है, उसके साथ में फैंस वगैरह भी हैवेल्स बनाती है, उसी के साथ में लॉयड है और उसके साथ में स्टैंडर्ड एंड आरओई फंक्शनिंग इन द डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट। तो यहाँ पे इस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन यहाँ पे फोकस है, केबल्स भी बनाती है, उसके साथ में ओयर्स, उसके साथ में मोटर, फैन, मॉड्यूलर स्विच, होम अप्लायंस और उसके साथ में एयर कंडीशनर, उसके साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पावर कैपेसिटर, लुमिनेशन ये सारे कंपनी बनाती है, ठीक है ना। तो कंपनी का अगर उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्विच गियर, उसके साथ में यहाँ पे केबल्स है, उसके साथ में लाइट एंड फिक्सर, उसके साथ में इलेक्ट्रिक कंज्यूमर डिवीजन, ये सारे कंपनी का प्रोडक्ट रेंज है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केबल डिवीजन से कंपनी का 33% का रेवेन्यू आता है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन से यहाँ पे 22% का रेवेन्यू है, लॉयड बिजनेस से यहाँ पे 16% का रेवेन्यू है, स्विच गियर से यहाँ पे 13% का रेवेन्यू है और लाइट एंड फिक्सर से 10% का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है। और कंपनी का अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया में है, कंपनी इंटरनेशनल मार्केट को ये जबरदस्त तरीके से सेलिंग कर रहा है प्रोडक्ट।
जो कि 60+ कंट्री में यहाँ पे इनका प्रोडक्ट सेलिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एमसीबी में 19% का शेयर कंपनी के पास में है, स्विच में 13% का कंपनी के पास में शेयर है मार्केट शेयर, उसके साथ में फ्लेक्सिबल केबल्स में 16% का मार्केट शेयर है, उसके साथ में केबल पावर केबल में 11% का मार्केट शेयर है, तो फैंस में 20% है और लाइट फिक्सिंग में 12% है और वाटर हीटर में 20% है और उसके साथ में बाकी अप्लायंस में 10% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है। अगर कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम स्टडी करते हैं तो कंपनी का यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 3679 करोड़ का कंपनी के पास में सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे तो इंप्रूवमेंट नजर आया, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन नजर आया। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में, कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट 187 करोड़ का देखने को मिला है। सितंबर टू सितंबर में यहाँ पे गिरावट नजर आया, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे डिक्लाइन नजर आया है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे लास्ट चार क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने को मिला है तो 1088 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन इतना बड़ा ग्रोथ नजर नहीं आया लास्ट दो साल में। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे लास्ट चार क्वार्टर में 16,000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया है, जो कि बहुत बढ़िया शानदार सेल्स पोस्ट किया है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व के बारे में, कंपनी के पास में शानदार रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि 6,110 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे बोरोइंग के बारे में, 203 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, 59.45% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, FII के पास में 23.3% का होल्डिंग है, DII के पास में 9.7% का होल्डिंग है और रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे 7% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी एक बहुत बढ़िया जबरदस्त कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न देने का बिल्कुल दम रखता है। अगर आप इसका यहाँ पे चार्ट पैटर्न में जाके इसका रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। लास्ट पाँच साल में 142% का रिटर्न कमा के दिया है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 79,000% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है, मतलब यहाँ पे 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले जिसने भी यहाँ पे किया है वो 79,00,000 ऑलरेडी उसका हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है, क्योंकि ऐसे FD में अगर हम रखते हैं तो 10 साल भी लगता है तभी हमारा डबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या जबरदस्त रिटर्न कमा के दिया है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रहा है। उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, उसके साथ में तीनों को तीनों मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि आज के दिन में बहुत बड़ा लास्ट 3-4 दिन में कमजोरी देखने को मिला है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है, क्योंकि ये जो मेन लेवल था यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने बॉटम बना के निकल चुका है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में एक बार आ चुका है, ठीक है, ये सेकेंड रीजन। और सेम और एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर ये मूविंग एवरेज को निकाल देते हैं, ठीक है, और ये स्टॉक का अगर आप फिर भी अगर इसका पुराना ट्रैक रखेंगे ना, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज इसका बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह हमेशा काम करता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पास में जब भी बाइंग होता है ना, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पास में जब आ जाए तब बाई कर लो, बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर फिर भी अगर आपको इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो मेरे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज सारे लार्ज कैप स्टॉक में बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, मुझे और एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा एक पैटर्न बिल्ड हो चुका है। एक पहला टारगेट तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी ये स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसी टारगेट तक बिल्कुल लेके चल सकते हैं, जो कि 1459 का टारगेट है। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट है 1459, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो पहला टारगेट आपका रहेगा 1459 तक आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, 1459 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये आपका पहला लेवल है। पहला टारगेट तक अगर आप इसमें बने रहते हैं तो कितना परसेंटेज का आपको गेन मिल सकता है, एक अराउंड 20% तक का आपको गेन मिल सकता है पहला टारगेट तक। उसके बाद में और एक टारगेट भी निकल करके आ रहा है, वो सेकेंड टारगेट का भी मैं अभी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड टारगेट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा एक सेकेंड टारगेट भी नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो सेकंड टारगेट है आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है, अगर आप एक साल का टाइम पीरियड रखते हैं स्टॉक में। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हर कोई स्टॉक में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक में काम करता है ये स्ट्रैटेजी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्ट हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट हो चुका है।
तो सेम टू सेम मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत बड़ा रैली आ सकता है। और रैली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या रह सकता है, यहाँ पे अगर आप इसी हिसाब से लेके चलते हैं इसका जो नेक लाइन के ऊपर में यहाँ पे जो डेप्थ जो लिया है वो डेप्थ को अगर मेजर करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज का आपका टारगेट बन सकता है। अगर आप इसी हिसाब से देखेंगे तो देखिए कितना परसेंटेज का आपको टारगेट बन रहा है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 1745 तक लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1745 तक आपको लेके चलना चाहिए। अगर आप 1745 तक अगर आप इसी में से इसी लेवल से पोजीशन बनाते हैं, देखिए कितना परसेंटेज का गेन है, बिल्कुल आपको 42% का गेन देने का यहाँ पे पोटेंशियल रखता है। और दूसरी बात है, कंपनी बहुत बढ़िया वो कंपनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत है ये स्टॉक में। फिर भी मैं बता रहा हूँ पैसे बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पैसा लगातार बनेगा, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है। इस चीज़ को सीख के समझ के करना है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। और सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो स्टॉक आप बाइंग करेंगे किसी भी स्टॉक में आपको 3% से ज़्यादा स्टॉक में नहीं लगाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है अभी भी है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हमें लेके चलना है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक का अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना है, जैसे कि बहुत बढ़िया सा रिटर्न हमें आगे आने वाले टाइम पे 3 साल में डबल हो सकता है किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ये सारी चीज़ सीख समझ के करना है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होकर सीखना चाहते हैं बिल्कुल मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हो, इसी नंबर के साथ में आप कॉन्टैक्ट में आके मेरे साथ में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।